तो इनका ट्यूमर काफ़ी बड़ा था, इनको इवन चलने फिरने में, खाने पीने में भी दिक्कत हो रही थी। और ये ट्यूमर को जब हमने आइडेंटिफाई किया तो ये ओवेरियन ट्यूमर कहा जाता है, जिससे पेट का साइज़ बढ़ जाता है और काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और इस ट्यूमर को अगर हम बाहर ऑपरेट कराते हैं, मीन्स पेशेंट चूँकि आर्थिक रूप से भी इस ऑपरेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो बाहर आयुष्मान के अतिरिक्त अगर ये ऑपरेट करवाता तो इसका खर्च 1 से 1.5 लाख रुपए जाता है। लेकिन आयुष्मान योजना का अंतर्गत, चूँकि हमारे पूरे हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना लागू है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका लाभ सारे मरीज़ों को मिल रहा है, तो उसी के अधीनस्थ हमने इनको उसका पूरा लाभ दिलवाया और सर्जरी का कंडक्ट करवाई अपने हॉस्पिटल में। अब चूँकि ये बहुत बड़ी सर्जरी थी, पेशेंट का वेट ही 48 kg है और उसमें ट्यूमर का साइज़ और वेट 16 kg है, तो ये बहुत ही मेजर सर्जरी में ही काउंट हुई। इसमें कम से कम मरीज़ को जान का भी खतरा रहता है, अगर इसको ऑपरेट नहीं किया जाता टाइमली तो पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमारी पूरी टीम ने बहुत ही एफिशिएंटली इसमें काम किया, सर्जरी करीब 6 घंटे चली और दे डिड वेरी एफिशिएंटली। आउटकम आप लोगों के सामने है, पेशेंट इज़ कम्फर्टेबल। और अभी सर्जरी होने के बाद कितना वेट बचा है? पेशेंट की उम्र मात्र 20 साल है और पेशेंट का टोटल वेट है 48 kg, और चूंकि 16 kg का तो ट्यूमर ही था तो हार्डली इसका वेट 30 अराउंड ही बचा था, 32 kg के अराउंड। आउट ऑफ डेंजर है अभी? हाँ जी हाँ, बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर हैं, कंफर्टेबल हैं, बातचीत भी कर रही हैं और जल्दी ही अब इनको ओरल भी अलाउ कर देंगे। अभी इन्हें एडमिट रहना होगा? अभी इनको 5 से 7 दिन और एडमिट रहना पड़ेगा और नरिशमेंट के सप्लीमेंटेशन के लिए हो सकता है 3-4 दिन और हमें बढ़ाना पड़े। सर, ये जो ट्यूमर है बॉडी में, किस तरह से जो है ये बनता है और किस तरह के क्या कारण होते हैं इनके बनने के? कई बार बहुत सारे इस तरह के ट्यूमर की कोई एटियोलॉजी नहीं होती है, सेल्फ डेवलप होते हैं, आयोट्रोजेनिक बोलते हैं जिनको हम, तो कई पेशेंट को हो जाता है, वो फिर बायोप्सी करने के बाद ही कंफर्म हो जाता है कि किस तरह का ट्यूमर है। पर ये ट्यूमर लाइफ के लिए तो एंड डेंजर ही था, जो अब सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। तो क्या हो सके, ट्यूमर नहीं निकाला जाता तो क्या हो सकता था इनके? इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता था क्योंकि इतना वेट चूँकि पेट के ऊपर था तो उनकी आंतों को कंप्रेस कर रहा था, उनकी खून की नलियों को कंप्रेस कर रहा था, तो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी और उनके रक्त संचार भी प्रॉपर नहीं था, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, चलने फिरने में भी दिक्कत थी उनको, तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल था, हार्डली 1 से 2 साल, इससे ज़्यादा वो सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल था। सर, आपने अपनी पूरी प्रैक्टिस, इतना बड़ा ट्यूमर कभी अपने हाथ से निकाला है या ये पहली बार है या इससे पहले भी आप देख चुके हैं इस तरह के ट्यूमर? आप सही कह रहे हैं, मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा ट्यूमर देखा है और ये एक हमारे लिए एक्साइटमेंट था कि इसको फुलफिल करना है हमें और इस काम को अंजाम देना है सक्सेसफुली, ईश्वर की कृपा से और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सहायता से, जो उन्होंने इतनी अच्छी योजना गरीबों के लिए, गरीब और लाचार व्यक्तियों के लिए बनाई है। जो लोग अपना इलाज प्राइवेट में करवाने में सक्षम नहीं थे, वो मात्र अपना आयुष्मान कार्ड लेके आते हैं और एडमिट हो जाते हैं और प्रधानमंत्री जी उनके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं होने देते और पूरा चिकित्सा का लाभ मरीज को मिलता है। मतलब कोई भी राशि तरफ से इनको नहीं देनी पड़ी? जी हाँ, इनको नहीं देनी पड़ी और हमारे यहाँ जो आयुष्मान योजना है वहाँ भी किसी भी मरीज़ से हम किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेते हैं।